I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. अरे राम कटोरी जिंदा है? अरे सरदार? साथियों, देख लो, मैं ना कहता था कि राम कटोरी जिंदा है, मरी नहीं। जिंदा है लेकिन मरेगी वो भी मेरे हाथों से। हमें तो लगा मर गई हो सरदार। कौन कहता है बे राम कटोरी मर गई है? राम कटोरी जिंदा है, देखो। राम कटोरी तभी मरेगी जब गब्बर सिंह को मारेगी। क्या खबर लायक? बड़ी अच्छी खबर है राम कटोरी, हमारे पास भरपूर गोला बारूद और हथियार आ गए हैं। गब्बर सिंह जो तुम्हारी जान लेना चाहता है, पहले हम उसकी जान लेंगे। फिर जो इतना आसान नहीं है गब्बर सिंह तक पहुंचना, बहुत मुश्किल है क्योंकि उसने रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा रखी है। फिर हम गब्बर सिंह तक कैसे पहुंचेंगे? वो रास्ता मैं तुम्हें बताता हूं। सरदार, यही वो पहाड़ है जिसको पार करके हम गब्बर सिंह तक पहुंच जाएंगे। तो चलो। नहीं सरदार, आप यहीं रुको, मैं ऊपर जाकर खतरे की टोह लेता हूं। तुम्हें कुछ हो गया और तुम मर गए तो? सरदार, मैं तो बहुत पहले ही मर चुका हूं, एक बार और मर जाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप फिक्र मत करो, मैं देख कर आता हूं। ये मेरे लिए कितना अच्छा सोचता है। विजय, कुछ नहीं हुआ सरदार, आप फिक्र मत करो। आ जाओ सरदार, रास्ता ठीक है, आराम से। क्या हुआ सरदार? विजय, रस्सी फेंको। ये लो। विजय, मुझे खींचो। नहीं राम कटोरी, नहीं, मैं गिर जाऊंगी। नहीं तो मैं चाहता हूं। विजय, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? इंतकाम। विजय, मेरी बहन बिजली और बहनोई को मारा था ना तूने? मैं राम कटोरी नहीं, राम प्यारी हूं। मौत के सामने तो अच्छे अच्छे घुटने टेक देते हैं। अब मेरे इंतकाम की आग तेरे खून से बुझेगी। अब तू गई, इसीलिए मैं तेरे ग्रोह में शामिल हुआ, ताकि तुझसे बदला ले सकूं। सरदार, गई तू। नहीं विजय। अलविदा। सरदार बचो। ये कहां बचकर जाएगा? जा। तुमने हमारी सरदार राम कटोरी की जान लेने की कोशिश की, क्या मैं तुम्हें इसी तरह जाने दूंगा? चल। सरदार, ये कमीना भागने की कोशिश कर रहा था, मैं इसे पकड़ के लाया हूं। इसने आपकी जान लेने की कोशिश की है, आप इसकी जान ले लो। चल। हाँ, मैं राम कटोरी नहीं हूं। यकीन नहीं आता तो पूछ लो इस बिरजू से, मैं तो एक आम नौटंकी वाली हूं। राम कटोरी कब की मर चुकी है। अच्छा बिरजू, क्या ये सच है? हाँ, राम कटोरी बिल्कुल सही कह रही है, ये राम कटोरी नहीं, राम प्यारी है। इसका मतलब कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने तुम्हें राम कटोरी समझकर तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। देखो, मैं सजा का हकदार हूं। राम प्यारी, अब तुम्हें मुझे सजा देनी होगी। मार डालो मुझे, खत्म कर दो मुझे। मार भी डालूंगी और खत्म भी कर दूंगी, मगर वक्त आने पर। कितनी बड़ी गलती होने जा रही थी मुझसे राम प्यारी।
क्या खबर लाया है सरजू? सरदार, खबर मिली है कि राम कटोरी जिंदा है। शैतान के साले, तेरे मुंह में पड़े छाले, जब भी आता है बुरी खबर लाता है। सरदार, उसके साथ एक अच्छी खबर भी है। अगर अब खबर अच्छी नहीं हुई तो तुझे धोती में पहनने वाला कच्छा बना दूंगा, मार मार के सुअर का बच्चा बना दूंगा। सरदार, अब तो वो और ज्यादा आपकी जानी दुश्मन बन गई है। चलो अच्छा हुआ, कम से कम अब उसे याद तो रहेगा कि मैं उसका जानी दुश्मन हूं और मैंने ही उसे गोली मारी थी। सरदार। अरे ओ कालिया। जी सरदार। जरा दो चार ठुमका तू आज हमको दिखा दे, जिस पर हमारा दिल आता है उसका ठुमका हम जरूर देखते हैं। बसंती का ठुमका तो हम देख चुके हैं, आज तू हमको ठुमका दिखाएगा। सुना कालिया, मैंने क्या कहा? चल दिखा ठुमका। अरे वो गब्बर, बसंती क्या ठुमका लगाएगी? मैं तुम्हारे सामने, सबके सामने ऐसे ठुमका लगाती, ऐसे ठुमका लगाती, जैसे बोलो ऐसे ठुमका लगाती। हाय हाय, मुंह बोलता भी नहीं है, बोलना शरम आती है क्या? चल मैं उसके सामने डांस करती हूँ। हाय हाय रे मेरी चमक चलो, हाय हाय रे मेरी चमक चलो, हाय हाय रे मेरी चलो, हाय हाय रे मेरी चमक चलो, हाय हाय रे मेरी चमक चलो, हाय हाय रे मेरी चमक चलो, हाय हाय रे मेरी चमक। कमाल हो गया। अरे देखा रे तुम लोगों ने, अरे कालिया ने हमको ठुमका दिखाया। सरदार, अब तुम बिल्कुल मजबूत हो चुकी हो, अब तुम गब्बर सिंह से बदला ले सकती हो। जरूर लूंगी, वही तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है। आज ही मैं उसके मुंह पर मौत का चाटा मारूंगी। राम कटोरी, इससे पहले कि तू मेरे मुंह पे मारे चाटा, मैं तुझे मौत की मुट्ठी से गूंथ डालूंगा, समझ कर आटा। गब्बर सिंह, मैं आटा नहीं, वो बारूद हूँ जो तुझ जैसे मर्दूद के चिथड़े उड़ा देगा। एक बार बच गई मगर आज तू नहीं बचेगी, आज तेरी अर्थी हर कीमत पर सजेगी। सारे साथी मारे गए। राम प्यारी, राम चलो यहां से, चलो यहां से, चलो चलो। राम प्यारी, हमारे सारे साथी मारे गए, फिर जो भी मारा गया है, अब तुम क्या करोगी?
क्या करोगी तुम? क्या वापस नया ग्रोह बनाकर गब्बर से बदला लोगी? जरूर लूंगी, गब्बर से बदला तो मैं जरूर लूंगी। इसने मासूम बेगुनाह गांव वालों का खून बहाया, बच्चों को तड़पा तड़पा कर मार डाला। राम प्यारी, जालिम पैदा होते रहेंगे और जुल्म करते रहेंगे और तुम्हारे जैसों के हाथों मरते रहेंगे, लेकिन कब तक, कब तक होगा ये सब? कब तक यूं ही लड़ते रहेंगे हम, कब तक? राम प्यारी, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ, हमारे आदमी भी, सब कुछ खत्म हो चुका है। सुनो मेरी बात, क्यों ना हम लोग कुछ दिन चैन की जिंदगी जिए, सिर्फ तुम और मैं। राम प्यारी, हम लोग अपना घर बसाएंगे, दूर जाके कहीं रहेंगे। ना तुम कभी डाकू थी और ना ही मैंने कभी किसी का खून करने के बारे में सोचा। तुम राम कटोरी नहीं हो, तुम मेरी राम प्यारी। इस बंदूक को फेंक दो हमेशा के लिए, मेरे लिए फेंक दो इस बंदूक को, और इस टीके की जगह मेरे नाम का सिंदूर भर लो अपनी मांग में, मेरे लिए। सरदार, सरदार, फिर कोई बुरी खबर लाया सरजू? सरदार, खबर तो बुरी है, लेकिन बुरी खबर सुन के भी आपकी तबीयत हरी हो जाएगी। तो जल्दी से पक, मैं भी तो सुनूं कि बुरी और हरी के बीच में क्या नाजायज संबंध है। सरदार, बुरी खबर ये है कि मौत आपके सर पर मंडरा रही है। क्या कहा? क्योंकि राम कटोरी जिंदा। राम कटोरी जिंदा है? सरदार, अच्छी खबर ये है कि राम कटोरी ने डाकुओं का चोला उतार फेंका है और किसी गांव के भोले वाले लड़के के साथ शादी करके अपना घर बसा लिया है, और वो अब टनकपुर गांव में रहती है। क्या नाम बताया? टनकपुर। टनकपुर। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.